मोदी की भी ताई, खट्टर की भी ताई, अमित शाह की भी ताई। खट्टर का ईसा सबक सेना सिखावांगे, खट्टर बोया नहीं जामांगा। जितनी भी इसकी फौज पुलिस है, अमित शाह की गृह मंत्री बना रखा है, और हम ज्यादा यू एक राक्षस था पिछले जन्म का राक्षस। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान जो है मिनी सचिवालय की तरह कूच कर चुके हैं, आधा से ज्यादा रास्ता किसानों ने पार कर लिया है। वहीं पर अब इनसे बात करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं। बताइए, हाँ, इतना लंबा रास्ता पार करके आए आप सब? और नौका तो मुट्ठी भर किसान से है, मुट्ठी भर संख्या से 100 किलोमीटर है। हाँ, लंबा रास्ता पार है। हाँ, 100 किलोमीटर है। 28 तारीख ने मारे लाठी चार्ज करे था, आज आ रहे हैं। आ जाओ भाई। हाँ, उस दिन जब मीडिया साथ में तब लाठी चार्ज हुआ था। है? उस दिन मीडिया नहीं थी ज्यादा। मीडिया उसे की मीडिया थी तत्तो। हाँ, हाँ, उसे की थी। आज सारी मीडिया है। आज खट्टर जी को जवाब दे दिया गया पूरी तरीके से। हमने खट्टर सरकार को चेता दिया है, किसान और मजदूर हरियाणा प्रदेश का नहीं, सारे भारत का एकजुट है, और वो हमेशा एकजुट रहेगा। और चुनाव में इसको गैस निकाल देंगे, इसको बता देंगे किसान मजदूर के साथ गद्दारी करने का क्या मतलब होता है, किसान और मजदूर को पैरों तले रौंदने का जो इसने दुस्साहस किया है उसका इसको मजा चखा देंगे। 28 तारीख को SDM ने जो करा उसके लिए अब यहाँ पे क्या मांग उठाने वाले हैं? SDM के ऊपर 302 और 307 का मुकदमा होना चाहिए। उसने यहाँ से ऊपर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया है, सिर पर लाठी मारने का आदेश दिया है, बर्खास्त होना चाहिए। किसान के लड़के को एक पक्की नौकरी मिलनी चाहिए और 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। यह किसानों की प्रथम मांग है। हाँ, SDM के ऊपर 302 का केस चलना चाहिए, उस किसान के बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए उस परिवार को। लगातार इतने समय से आप लोग बैठे हो, आज यहाँ तक इतने 100 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के आए हो, लगता है कि आवाज सुनी जा रही है? आवाज नहीं सुनी जा रही मैडम। कैसे सुनाओगे फिर आप लोग? ये तो नौका है, कुछ भी को नहीं। हाँ, ये तो मारी सलाह नू से उरत जगह ने मारा, सारा सौदा मिल देगा, यानी सारी मांग पूरी हो जाएगी। पिछली बार लाठिया चली थी आप लोग के ऊपर, निहत्ते थे, आज यही है कि लाठिया इसलिए आई है? हाँ जी, नहीं हथियां बस जिसने वार करया नहीं, वो कायर हो जी। आज वार करके दिखाओ मारा बेरा पट्टा प्रशासन, कुछ प्रशासन के अफसर है अला अधिकारी जिनका शाम ने सूट केस पहुंचा पिछा की वो लठ मरुआ नहीं हथे किसाना का, आज मार के देखो, छेड़ के देखो। अगर ये सिपाही गद्दार होंगे या मरते होंगे तो आज भी मारा, ये अफसर मरुआ है। जो ये वीडियो आ रही है SDM की, यो बर्खास्त होना चाहिए, 307 लगनी चाहिए जी। पिछली बार जो हुआ था कि इस वजह से हुआ कि चलो ठीक है लाठियां वाड़ी, आज भी वही पुलिस है, आज भी वही आप लोग हो, बस लाठियां आपके हाथ में है, इसलिए पुलिस डर रही है क्या? किसान ने लाठी अपना हथियार उठा लिया आज। हाँ, और मजबूर करिया जी किसान हथियार उठाने पर, किसने सरकार ने टोल पर बैठे ने मारिया है, टोल पर तो मारा अधिकार है, बैठे शांति प्रिय 9 महीने हो गए, सरकार ने ऊपर चढ़ के मारिया प्रशासन ने। वहाँ मेरा मारा भाई एक कसी पानी लाओ था, उसका भी लाठी मारी है, उसका हाथ में कसी थी और के रहा बेचारा वो, और फिर के कहा है वो दुष्यंत है बोला कसी तलाओ तो माड़ा गाल लेंगे, आज मार दो भाई मारा, आज माड़ा गाल दो, देखा मेरा पटाऊन है। 27 तारीख को चक्का जाम करने वाले हो? हाँ जी। क्या है उसकी तैयारी पूरी? उसकी फुल फुल तैयारी से, असल तो आज तोड़ खरीद है 27 कड़े लग रही थी ठीक, और यद नौका ने पुलिस लाठी मारी पुलिस ने कम मारी, आर एस के आदमी और एक बीजेपी के आदमी थे। चक्का जम यहाँ पे पुरुषों जो है हमेशा महिलाएं आई है तभी पुरुष आगे बढ़े हैं, और जब गाजीपुर में भी हुआ था, सिंघू बॉर्डर पे भी हुआ, तब महिलाएं उठी थी, और जब किसान ने अपनी संसद लगाई थी तब भी महिलाएं ही उठ के आई थी। आज ये महिलाओं से ही बात करेंगे, मैं पहले तो इनसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश कंडेला, और ताई भी कह दिया करें, मोदी की भी ताई, खट्टर की भी ताई, अमित शाह की भी ताई, सबकी। तो ताई जी ये बताइए, खट्टर जी को क्या सबक सिखाना है आगे? खट्टर का ईसा सबक सेना सिखावांगे, खट्टर बोया नहीं जामांगा। सब हरियाणा जाम कर दिया है, सारे रोड जाम कर दिए हैं, और आड़े इसने उसकी CM सिटी ने आज मेरा किसान नेता इसने जाम कर क्या कर दिया है, आज क्या तबेल में बढ़ गए। उधर मारे इस पर किसाना का ऊपर
क्योंकि डांगरा जी लाठी बजावे थे, आज उनके फुफ्या ने झंडे डंडे दी गए ना, आज ये सारे न्यू देखे जान बंदर देखे हैं, आज लकड़ो इसके प्रशासन बाहर आओ, जमा मरण खातर तैयार आ रहे हैं, कफन लेकर तैयार आ रहे हैं, आ जाओ आज इसका प्रशासन भी आ जाओ, जितनी भी इसकी फौज पुलिस है अमित शाह की गृह मंत्री बना रखे है, राम ज्यादा यू एक राक्षस था पछला जन्म का राक्षस, राक्षस है यू है यू के अनिल बीज, ये पुलिस हमने 3 दिन मांगे दे दो, 3 दिन में इन्हें चुक चुक का टोकन है, इन्हें रोड पर घेर कर इनकी एक एक फाड़ काट देंगे, जमाइन ने न्यू इन्हें हमें छोड़ा नहीं गया, इतना दर्द है। 3 दिन की आपने बात करी, आप लोगों ने 1 दिन ले लिया है, 27 तारीख दे, 1 दिन छोड़ प्रशासन ने जमा दूर कर दो, हमने रस्ते जान दो सीधे, जड़ा ये बेल में है ना सुरंगा में ओढ़त काट लेवागे 3 दिन में, तो इन्हें हम जमा मरण खतर तैयार हाँ, हमें जमा 10 भी ना तो कफन गल्ला तैयार है, जे मारी ईब मौत आ जाओ हम अपनी जिंदगी ला नहीं रहे। यहाँ पे आपने महिला की आवाज सुनी ली है, पुरुषों से कम नहीं है, महिला किस चीज में कम है, बिल्कुल नहीं है, जब जब पुरुषों की जरूरत पड़ी महिला सबसे आगे खड़ी हुई, नहीं तू महिला को नहीं, तू किलो खड़ी है और ना नाग तू क्यों ले रही है, फिर मारा है यू भी मारा भी लड़ाई है हमारी, जब हमारे बेटे चले जाएंगे हमारी क्या जिंदगी है, हम पहले जाओगे हमारे बेटे बाद में जाओगे, ठीक है, हमारी नस्ल फसल की लड़ाई है, हमारी पेट की लड़ाई है, अरे हमें मर जाएंगे हमारी नस्ल तो आजाद रहेगी, ये खून गुलाम नहीं रहेगा, लेकिन मर जाएगा मिट जाएगा ये खून गुलाम नहीं रहेगा, अरे गुलाम किसका, वो रुपये का, वो मोदी का, अरे उसका कुछ भी नहीं आगा नहीं पाछर, देश की इतनी बुराई ले रहा है, उसका मर जाना चाहिए, एक ही खूनी का नाम तो प्रधानमंत्री जाना जाएगा सारी जिंदगी में, ईसा प्रधानमंत्री कदे आया नहीं ना को आवेगा। यहाँ पे आपने सुन ली आवाज किसानों की, इन्होंने 27 तारीख का ही बता दिया, वहीं पर खट्टर सरकार का जवाब भी दे दिया है कि देखो आज किसान यहाँ पर है, जो आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो किराए का किसान आता है, यहाँ किराए का किसान असली नगर है, नगर किसान नाम है, किसान की बेटी, किसान का जाम रे, किसान का बैरा के, ये मेरे जितने हैं ना सब मेरे किसान है, वो किराए के तो वो खट्टर ले जे है किसे किसे ना कि ये मेरे किसान है, 500 रुपये देकर 1000-1000 रुपये देकर ट्रैक्टर ले लिए, अगले दिन कड़े गए उसके ट्रैक्टर, किसान के ट्रैक्टर से 10 भी नए हो गए रोड़ा पर खड़े हैं, असली किसान है, किसान का खून है, किसान का बीज है, और किसान ने देख कर छोड़ेगा इन्हें, कहतो या खट्टर सरकार मोदी सरकार कहतो सुधर जाएगी, और नहीं तो धरती का रंग लाल लाल होगा, ईब टाड नहीं होगी, ईब क्रांति आवेगी, 10 महीने शांति रह लिया, ईब क्रांति का टेम आ लिया है, ईब क्रांति आएगी आज तक शुरू होगी है, ये किसान उल्टा नहीं जाएगा, मर जाएगा मिट जाएगा उल्टा नहीं जाओगा, बिल्कुल एक किसान वापस नहीं जाएगा, यहीं से सीधे आगे जाएगा, और जो 3 काले कानून है उनको वापस लेने पड़ेंगे, इनके आर पार की लड़ाई, हाँ जी 3 काले कानून यो सारे सौदे वापस लेगा, जितने गलत काम कर रखे हैं इसने, इस सरकार ने जितने गलत काम कर रखे हैं सारे वापस लेगी यह सरकार, रही बात बंद है नहीं, पब्लिक ने डरावा थे ओढ़ो ना जी ओनू कर दें, ओढ़ो ना जी ओनू कर दें, या पब्लिक बैठी भीतर ई बा जाएगा और डीसी रेस्पी वो दे देगा ऑर्डर जो उसने दिया था, और मारे किसान भैया का खून जब हमने दोबारा देख लिया, हम बख्शा नहीं गए भाई, चाहे डीसी और चाहे एसपी और चाहे खट्टर हो, दोबारा ये खून नहीं दिखना चाहिए हमने, नहीं उरद काट देंगे, उरद काट दें किसान का, नहीं नू बिक्र दिया नहीं उरद काट दिया जमा तैयार हो गया, आज कड़े गया हो डीएसपी था वो ब्लैक, सारे किसाना के सिर फोड़, आज सारे मेरे किसाना का किसे का सिर दिखा दो फूटे हमने, आज आओ फोड़ना हमने, आज फोड़ो आज क्या तो लुक गया हो, ऐसा मर्द था असला माँ बाप का बीज था तो आज आओ अंदा, और आज कड़े हो खट्टर गया वो भी आज प्रोग्राम करना अंदा, देख उसकी हिम्मत देख दे देख, ये न्यू चोरी चोर पाछा तो चोर भी चोरी करे, ओ पुलिस ने नू कह दने सर फोड़ के आइयो, आज फोड़ाइए सर एकर के करिया के ना देखा तो एकर का हमने जा सालन मार दे गड़ा तो, और मरण खातिर आ रे जा और मारांगे इसको तो छोटा को नहीं किते बढ़ जियो छोटा नहीं। आप लोगों ने सुनी किसानों की आवाज, आप हमारे लाइव जुड़े रहिए किसानों के लिए, यहाँ पे जो लगातार किसान जो मिनी सेक्रेटरी उसकी तरफ कूच करे, हम आगे बढ़ेंगे किसानों के साथ और आगे दिखाएंगे कि आगे और कितनी लंबी ही लड़ाई है। हाँ, हम ये बोल रहे हैं भाई, हम रोहतक से आए हैं, हम ये बोल रहे हैं भाई जितना इतना यह सरकार
कानून नहीं वापस लेती और हम इस मसले में आए हैं जो हमारे भाइयों के सर फोड़े थे और वो भाई सैयद हो गया उसके बारे में किसान इकट्ठे हुए हैं। हम अपना वो बदला चौकान आए हैं या सरकार माफ़ी मांगो और या जो एसडीएम था वो 12 पत्थर बाहर कराया जाएगा उसके ऊपर 302 भी लगेगी और फिर समाज उसको 12 पत्थर बाहर भी करेगा, उसको कोई नौकरी भी नहीं आगे होगी। ये है एक राक्षस बुद्धि जीव जो कि राक्षस पड़क मोदी तो सबसे पहले करे रहा था, पाप की गठड़ी ठाए अंडन लाग रहे और गले इसके परिंदे भी ये भी पाप की गठड़ी ठा रहे हैं। इनका ही अंत आ गया है। ये जनता आप देख लो दिखाई दे रहे हैं, दिन छप रहा, दोनों घर पर खत्म मिल रहे हैं और जनता ये किसान रोड पे है, हम इसलिए कह रहे हैं। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो, ये संदेश पहुंचाओ कि धृतराष्ट्र मत बनो। धृतराष्ट्र ने जैसे पूरा परिवार खत्म कर लिया था, ऐसे बीजेपी भी खत्म हो जाएगी भारत माँ का। भारत के साथ ही लिंक जोड़ दिया गया, धृतराष्ट्र बनने की जरूरत नहीं है वरना बीजेपी पूरी खत्म हो जाएगी। हम यहाँ आपको आगे दिखाएंगे यहाँ पे किसान के साथ नॉर्मल क्या है, युवा वर्ग पूरा का पूरा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.